नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, कल फिर उछल उछल के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को यूज कर रहा है, हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में। तो फिर मुझे ये समझाएं कि आपके प्राइम मिनिस्टर कैसे तुर्की में कहते हैं हम तो तिजारत चाहते हैं हिंदुस्तान से। और भाई जब हिंदुस्तान आपके लोगों को शहीद कर रहा है रोज अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, अक्रॉस द वर्किंग बाउंड्री, तो आप तिजारत करना चाह रहे हैं। खुदारा कोई तो कंसिस्टेंसी अपनी पॉलिसीज में दिखाए। और मेरी दरखास्त है कि अगर लॉजिक ये है कि जिधर जो मुल्क दहशतगर्दी कर रहा है उसे हम बॉर्डर बंद करेंगे, सबसे पहले वाघा बॉर्डर को बंद करें। क्यों आपने वाघा बॉर्डर खुला रखा हुआ है अगर दहशतगर्दी हिंदुस्तान करा रहे हैं? और क्यों हमारा प्राइम मिनिस्टर तिजारत चाह रहा है ऐसे मुल्क के साथ जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं? ना सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे हैं, आरएसएस के लीडर खड़े होके फखर से कह रहे हैं हमने 2000 मुसलमानों को मारा है गुजरात में। तो आप ऐसे मुल्क ऐसे लीडर के साथ तिजारत करना चाह रहे? मैं समझती हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर तो है नहीं, फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को आके हमारी पॉलिसी हिंदुस्तान के हवाले से वाजे करनी चाहिए। और डिफेंस मिनिस्टर को आना, उनको आप समन करें, ही शुड कम एंड अपोलोजाइज कि झूठ क्यों बोला कल उन्होंने कि बॉर्डर बंद। Time when I was alone, nowhere to go and no place to call home.